चूहे। एक गांव में दो चूहे भाई रहते थे। बड़े होने के बाद एक चूहा शहर चला गया और दूसरा चूहा गांव में ही रहने लगा। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। एक दिन शहर में रहने वाला चूहा अपने भाई से मिलने गांव आया। उसके भाई ने उसका बड़े ही स्नेह से और खुशी से स्वागत किया, लेकिन शहर में रहने वाले चूहे को वो जरा रास ना आया। उसे कई सारी शिकायतें थी। आओ भैया, बहुत दिन बाद आए, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इस गांव में कैसे रह लेते हो भाई? यहाँ की सड़कें कितनी बेकार हैं और धूल मिट्टी तो बस पूछो ही मत। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। हमारे शहर की गाड़ियाँ इन छोटे रास्तों पर तो चल ही नहीं पाएंगी। अरे भैया, परेशानी की क्या बात है, यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है। भले ही धूल है, मिट्टी है, लेकिन शहर की तरह यहाँ प्रदूषण नहीं है। यहाँ शहर की तरह शोर शराबा भी नहीं है, सुकून की जिंदगी है यहाँ। आओ तुम हाथ और मुंह धो लो, फिर हम मिल के खाना खाते हैं। यहाँ पीछे ही एक कुआं है, वहाँ का पानी पीते ही तुम्हारी थकान बिल्कुल मिट जाएगी। तुम्हारा ये बाथरूम भी कितना छोटा है। क्या तुम रोज ये घास पूस ही खाते हो? क्या कभी तुम्हारा स्वादिष्ट खाना खाने का मन नहीं करता? अरे भैया, खाकर तो देखो, खेत की सब्जी कितनी स्वादिष्ट है, और इसी वजह से मैं तंदुरुस्त हूँ। रोज रोज बाहर का खाना खाके तबीयत खराब हो जाती है। बीमारी से लड़ने के लिए स्वस्थ खाना ही खाना चाहिए। एक बार तुम मेरे पास शहर में आओ, क्या बढ़िया खाना मिलेगा और खुशहाल जिंदगी भी। अरे नहीं भाई, मुझे तो यहाँ रहना ही पसंद है, शहर में आके रहना मुझसे नहीं होगा। तो क्या तुम यही फल और सब्जी रोज खाना चाहते हो और इतने छोटे से घर में रहना चाहते हो? एक बार मेरे साथ शहर चल के तो देखो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे बाप रे, शहर में कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियाँ हैं, यहाँ चारों ओर से आवाजें आ रही हैं। मेरा हाथ पकड़ लो, डरो मत, यहाँ की जिंदगी ऐसी ही है। चलो अंदर आओ। क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं नहीं, ये एक अमीर आदमी का घर है, लेकिन मैं इसी घर में रहता हूँ। चलो हम घर के इस पीछे वाले रास्ते से अंदर चलते हैं। ये देखो कितना बढ़िया खाना है, तुम्हें जो भी पसंद है वो खा लो, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। वो अमीर आदमी और उसका परिवार आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। खाना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? अरे धीरे बात करो। अरे ये किसकी आवाज है? अरे ये यहाँ का कुत्ता है टॉम, चलो भागो यहाँ से। बच गए, वरना आज तो अंदर ही फंस जाते। मैं तो अभी भी कांप रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, खाना कैसा था? खाना तो बहुत बढ़िया था, लेकिन रोज रोज ये खाना खा के मेरा पेट तो खराब हो जाएगा। मैं तो गांव में ही ठीक हूँ। अरे ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी तुम्हें वहाँ गांव में कहाँ मिलेगी? हाँ,
लेकिन वो खाना अपने घर में शांति से बैठ के खाना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ऐसे मौत के मुंह में। मैं तो चला अपने गांव। तुम तो अनाड़ी ही रहोगे, तुम्हें यहाँ इतनी अच्छी जिंदगी मिल जाती, लेकिन तुम्हें तो उस गांव में ही रहना पसंद है। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरी रहन सहन पे हंसना उचित बात नहीं है, अपनी जिंदगी अलग है। मिलते रहेंगे, चलता हूँ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी के रहन सहन के तरीके पर हंसना उचित बात नहीं है। जो जहाँ रहता है वह अपनी जिंदगी उस हिसाब से गुजारता है। अल्ट्राकिड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्राकिड्स जोन।